जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मेरे सभी छोटे भाई जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है ज़्यादा तो जो मेरे चैनल पे हैं सभी के सभी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं इन सभी को मैं थोड़ी सी गाइड करना चाहूँगा आपके बुक के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि आप अगर मेहनत करोगे बहुत ज़्यादा और बुक आपने गलत ले ली तो आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने तैयारी सही ढंग से नहीं की या जिस एग्ज़ाम किसी भी आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे डिफेंस की तैयारी करो या सिविल में कोई एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो आपके पास में सबसे पहले बुकें अच्छी चूज़ होनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके मेथड ना तो एग्ज़ाम में आते हैं ना उनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। आप उनको मिलाते रहोगे, उनमें फंसे रहोगे, ना उनका मेथड और जो टेक्टिक्स है क्वेश्चन करने की, मैथ के क्वेश्चन करने की, उनकी ईजी नहीं है, उसमें आपके टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए कुछ बुक्स ऐसी है जिनको मैं आपको बताऊंगा, वो बुक्स आपके पास में होनी चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी चाहिए या आपको वो बुक्स अच्छी बुक्स है, ताकि आपके पास में अगर होगी वो बुक्स तो आपका फ़ायदा होगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही दिनों में वहाँ पर मैं आपको मेरे रीजनिंग के ओल्ड जितने भी पेपर हैं एसएससी जीडी के आरपीएफ कांस्टेबल के टोटल की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। धीरे धीरे आप सभी को उनकी पीडीएफ, पुराने पेपरों की पीडीएफ देने लग जाऊंगा मैं आपको, एक साथ में पीडीएफ और उसका हल प्रश्न भी साथ में मिलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, ताकि आपका भी तैयारी अच्छी हो सके दोस्तों। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास में कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, अगर जीके की बात करें दोस्तों, तो अगर हम आज जीके जीके की बात करें तो आपको सभी को बता दूं कि एक तो आपको करंट जीके की बुक हमेशा पास में रखनी है, करंट जीके हमेशा पढ़ते रहना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये नहीं सोचना कि मैं लास्ट में करंट जीके पढ़ूंगा, नहीं, आज से आपको करंट जीके की एक छोटी गाइड जो हर 15 दिन से आती है वो गाइड आपके पास में परमानेंट होनी चाहिए। हर 15 दिन बाद में आपको करंट जीके का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देश में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है, ये नहीं कि करंट जीके की जो पूछा जाता है वो लास्ट के समय में आप एक महीने में तैयारी करोगे उसमें ही पूछा जाएगा। अभी से करंट जीके का मतलब हो गया बीते कुछ दिनों में, यानी एक साल के अंदर अंदर जो हुआ है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में करंट जीके की हमेशा बुक होनी चाहिए, 10 दिन वाली, 15 दिन वाली, 20 दिन वाली या महीने वाली। कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, करंट जीके की आप कोई सी भी कंपनी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्रोनोलॉजी की भी आती है और भी बहुत सारी आती है, और करंट अफेयर की आप वीडियो भी देख सकते हो। दूसरी जीके के लिए आपके पास में लूसेंट की एक बुक होनी चाहिए, एक वस्तुनिष्ठ बुक और एक थ्योरी सॉरी एक थ्योरी बुक, एक वस्तुनिष्ठ बुक आपके पास में होनी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ से आप जो बुक आपसे थ्योरी वाली बुक है उसमें आप पढ़ो, उसी टॉपिक को वस्तुनिष्ठ में आप हल करो, तो इससे आपकी आसानी रहेगी, आपको कितना याद हुआ ये पता चलेगा आपको, इसका आपको लगातार याद भी होते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वस्तुनिष्ठ में जो आपको थ्योरी में, आपका उन पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में आप देखोगे तो उसमें आपका ध्यान चला जाएगा, उससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो मतलब लूसेंट की आप ये दोनों बुक ले सकते हो, अगर लूसेंट की नहीं लेते हो तो वस्तुनिष्ठ वाली आप और भी कोई भी ले सकते हो, लेकिन थ्योरी वाली लूसेंट की लेना, क्योंकि लूसेंट की बहुत अच्छी बुक आती है। लूसेंट की जो बड़ी वाली बुक आती है जीके की, वो बुक जरूर लेना, और वस्तुनिष्ठ वाली आप वो भी ले सकते हो लूसेंट की भी, और लूसेंट की नहीं लेना चाहो तो और भी कोई ले सकते हो। बात करें हिंदी की, तो हिंदी की बहुत सारी गाइड आती है, चाहे कोई सी भी गाइड ले लो, लेकिन लूसेंट की हिंदी की गाइड ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो लूसेंट की आप सोच रहे हो कि सभी गाइड लूसेंट की अच्छी आती, नहीं, हिंदी की ज़्यादा अच्छी नहीं आती मेरे ख्याल से लूसेंट की। हाँ, अच्छी गाइड आती है, लेकिन उससे बेटर बहुत ज़्यादा गाइड है जो हिंदी की है। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो उनके लिए, हिंदी के जो टीचर कुछ पढ़ाते हैं जैसे, तो उन कोचिंग में आप देख सकते हो, और वहाँ से जो बुक मिलती है वो परचेज कर सकते हो, क्योंकि उनमें अच्छे नोट्स होते हैं, तो वो बुक भी आप ले सकते हो। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए तो आपको पता है अरिहंत की भी एक बुक आती है, और भी अलग अलग प्रकार की बुक आती है, तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इंग्लिश की भी लूसेंट की कोई खास बुक अच्छी नहीं आती है, तो लूसेंट की ना लें। उसके अलावा आप अरिहंत की एक बुक आती है, एक दो बुक और आती है इंग्लिश की, उनमें से आप अच्छे से चूज़ करें, और बड़ी एसआई की वैकेंसी के लिए आप सीपीओ अगर एसआई की तैयारी करो तो सीपीओ प्रैक्टिस सेट आता है, उसको प्रैक्टिस सेट ले लो, उससे भी अच्छी, मतलब क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट के, तो उससे भी आपकी अच्छी तैयारी होगी, चाहे इंग्लिश हो हर एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा मैथ की बात करते हैं, मैथ की मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप एक राकेश यादव की बुक जरूर ले लें, बहुत अच्छी बुक आती है राकेश यादव की, मैथ के जो नोट्स वाली बुक है वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक आती है। उसके अलावा रामनिवास माथुरिया की ले सकते हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, और एक बुक और आती है वो किरण पब्लिकेशन की, वो भी ले सकते हो। रीजनिंग के लिए वो बुक ले सकते हो आसानी से, रीजनिंग की अच्छी आती है उसमें, रामनिवास माथुरिया की भी रीजनिंग की बुक आती है वो भी अच्छी आती है। एक दो और भी अगर नोट्स कोई आते हैं तो वो अच्छे बने होते हैं, उनमें भी ले सकते हो। राम जो इन बुक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनका जो अटेम्प्ट रहता है हमेशा बहुत ही, मतलब कंपटीशन के हिसाब से इनके अंदर क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी आपकी दोस्तों। तो इन बुक्स, ये बुक आपके पास में होनी चाहिए, और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक ले, ना कि एक ही जैसे एसएससीजीडी कोई बुक लेके आ गए उससे तैयारी करो, ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो आप एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाओगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में मैथ की अलग से एक से दो बुक होनी चाहिए, जीके की एक या दो बुक होनी चाहिए,
जीके की तो दो से ज़्यादा भी चलेगी, हिंदी की एक बुक होनी चाहिए और रीजनिंग की दो से तीन बुक आपके पास में होनी चाहिए, कम से कम 8-10 बुक आपके पास में अच्छी अच्छी होनी चाहिए। फिर उनसे आप अच्छे से तैयारी करो, उनमें से सभी से जिसमें आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उसको ज़्यादा पढ़ो और तैयारी करो, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। तो ये बुक्स आपके पास में होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। जय हिंद जय।